अब देखो इतने लोगों का नाम ले दिया, हजार हजार रुपए सबसे लेने हैं भाई जी, कोई सही कौन दे जरूर नहीं देंगे तो दिखा देते उनको, जो नहीं देगा उसका नाम काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर वो तो गलत हो गया। दिनेश जी यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं उनको खुद को पता नहीं है, अभी देखो चेक होगा और पता लगेगा कि दिनेश जी यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कितना पैसा कमाते हैं। हेलो गाइज, आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम सीकर के एक पास का गांव है बैरूपुरा, वहाँ पर गोविंद बाबा का मंदिर है, वहाँ पे एक मेला लगा है और एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, तो आज यहीं पर है और आपको दिखाएंगे मेले में जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ ही राजस्थान में अभी इस टाइम पे जो नंबर वन कॉमेडियन है बनवारी लाल, उनका भी प्रोग्राम इसमें होने वाला, तो वो भी देखेंगे। मेरे बिल्कुल पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वो पीछे स्टेज लगा हुआ है जहाँ पर ये प्रोग्राम होगा। अभी प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि करीब 8 के आसपास बजे होंगे, एक घंटा भर का टाइम है बीच में। जिम ले गए। हाँ, मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद में कुछ भी खाया नहीं है तो भूख लगी हुई, तो पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में जो प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा कवर करेंगे। बढ़िया, क्या पता मुझे तो भूख लगी हुई, तो सब अच्छा। तो ये आगे अपना बर्गर बर्गर खाते हैं और फिर उसके बाद में दनादन क्या बर्गर खाने अपना तो पच्ची पच्ची देखी जैसे। चलो छोड़ो, पहले बर्गर खाते हैं, बाद की बाद में ये लो कॉन्सेंट्रेट पूरा का पूरा बर्गर के ऊपर है। लो सर वो पूरा खा लो नहीं यार, आदो 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 को नहीं यार, मेरे तो वो खाया ही मेरे पड़सी की मैं मेरे जो डिसीजन हो वो सही हो गलत हो कि मैं ऐसे खाओ एकदम राक्षस की तरह। बर्गर तो वाकई में बढ़िया है। भाई के पास कोई सीक्रेट रेसिपी है बर्गर की? दकास पे बर्गर भी बनाते हैं, दकास पे बर्गर भी बनाते हैं। मैंने तो आज तक जो बर्गर खाया उनमें मुझे सबसे बढ़िया यही लगा है। दिनेश जी का कहना है कि जखास पे आप खाओगे तो इससे भी बढ़िया मिलेगा। अगली बार जब जखास सीकर में जाएंगे तो टेस्ट करके देखेंगे कि वहाँ का जो बर्गर है वो इसके कंपैरिजन में कैसा है। मन ही बात को दुख है कि राजपाल जी आज तक बर्गर खाया भी कमाई सो बढ़िया लगे, ये बात को मन दुख है। और जखास को बर्गर है भाई जी तो रेसिपी बढ़ावा ही यार की है, तो आदमी खाया बाद में आई क्यों जखास। मैंने कहा ना कि आज मुझे भूख लगी हुई है, तो वो ऐसा हो सकता है कि आपको भूख लगी हुई हो तो भूख वाले हिसाब करो। हाँ नहीं तो आज भूख लगी हुई है जो टेस्ट आया है वैसा मजा आना चाहिए। भूखा मरता है तो नहीं नहीं नॉर्मल आऊंगा फिर टेस्ट करूंगा वहाँ पे। बिल्कुल बढ़िया ना, टेस्ट कर सकते हैं और कम नहीं ले इसको, देखते हैं पता लगेगा, बस नेक्स्ट लेवल चीज है। बाकी सब
जो कास्ट का चाहे पाव भाजी हो, चाहे वड़ा पाव हो, बर्गर हो, आइस टी हो, हर चीज चलती है। तो ये तो ऐसे एड के जैसा हो गया, मुझे लग रहा है कि आप वो जकास के वो ब्रांड एम्बेसडर। नहीं नहीं, जकास की क्यों, देखो मैं बताऊं, सिक्कर में अगर खाना है तो मेरे को क्या पसंद है, ये अपने कचौरी समोसे लगा के खवान जाना तो जवाहर पांड्या। अपन अगर गन्ना को जूस पीणो है तो स्टेशन रोड पर आईसीआईसी बैंक के सामने। हाँ बिल्कुल, वो तो गन्ना को जूस सही, ठीक है। समोसा बिना लगाया अपन खड़े हर्ष का माइंड रेवासा में, कुशलपुरा में और लक्ष्मणगढ़ में भी एक जगह है। लक्ष्मणगढ़ में वो अलग तरीका का वो लगा दे हुए सुरेश जी तगड़ा भाई जी, वे डाकणिया का मंदिर के सामने। हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वही उसके नहीं, सामने डाकणिया का मंदिर, मंदिर के सामने वो गली है, वो टावर है, उसका क्या नाम है, ग्लोबल टावर है क्या ऐसा कुछ है। बड़े वो बहुत जोरदार देरी के बाद का माइंड, अगर मान लो मिल्क शेक पीना है जो वन कॉफी फूड वे ने, एक तो बांडियाबास में डोडा के पास में लगा हुआ, एक है शाम का बड़े वोडाफोन स्टोर के सामने लगा हुआ। अगर पिज्जा खाना है पिज्जा लो, यहाँ डावा डोल से है, कदे चोको बन जाए यार, कदे चोको कौन बने। देखो स्कोप है सीकर के लोगों के लिए, अगर कोई अच्छा पिज्जा की सर्विस लेके आता है ना तो उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आगे बढ़ाओ अपनी ठीक है। बात का माइंड चाय अगर है तो पिपराली रोड पर साउथ चाय वाला, ये बात भी एग्री है, एकदम तगड़ी चाय। इसके अलावा और क्या खाएगा, और तो यहाँ तो आप खाता ही खानो, अगर खानो है। हाँ मैं बताऊंगा, गुरु कृपा, पिपराली रोड पर गुरु कृपा, एक नंबर खानो, और बढ़ेंगे पनीर तगड़ो भाई। हाँ दिनेश जी फैन है, हर बार बोलते हैं कि यहाँ का जो पनीर है वो ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ना कोई मिलावट को नहीं, सब बड़ी बात वो प्याज में देवा भी कंजूसी कौन करे, प्याज नहीं देवे। अब देखो इतने लोगों का नाम ले दिया, हजार रुपए सबसे लेने भाई जी, कोई सही कौन दे जरूर नहीं देंगे तो पहले दिखा देते उनको, जो नहीं देगा उसका नाम काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर वो तो गलत हो गया, क्या पैसे के लिए कर रहे हो, नाम गुनगुनाता पर मैं देखो कोई देवे तो सही बात है। उनके वो देखते हैं कि उनका खाना तो अच्छा है, उनकी समझ कितनी है वो पता लगेगा। बाकी ये है जरूर है कि भाई ठीक है, जगह जगह को नाम लियो ना, वो समझदार कितने हैं, वो देखो टेस्ट है ना इस वीडियो के बाद ही होगा। बस सही बात, मेरे को देखो सो बात की एक बात टेस्ट करेंगे आगे, जखा सिकर का जो बर्गर है ना, मैं अभी उसी पे अटका हूँ, वो टेस्ट करना। बाकी चीजें तो ये बता रहे हो सारी सही है, बाकी वो टेस्ट करके मैं बताऊंगा। चलो ये बातें तो हो गई, अब आगे आपको प्रोग्राम भी दिखा देते हैं, वरना यहीं पे सारा प्रोग्राम हो जाएगा आज। पैसा देना भाई ने, और यहाँ पैसे देना भाई साहब, कितने पैसे हो गए आपके, 100 रुपए हो गए बस, कोई ज्यादा नहीं है पैसा, तो पैसा मत दे तो मेरे पास में, इनके पास में आ गया वो फोन पे। अरे आजकल सब डिजिटल हो गया, अरे वो ये रहा भाई, फोन पे का ये सुख है भाई साहब, मतलब कि जहाँ जाओ ना, हाँ जहाँ जाओ वहाँ फोन पे मिल जाएगा, पैसा देना आसान होगा, तो झंझट नहीं रहता। यस इतने की जरूरत नहीं भाई, पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट डन। अब चले भाई के, हमने खूब तारीफ करी वीडियो में बर्गर की, भाई नाम क्या है, नाम क्या है, कम कर दे हैं, विक्की भाई साहब का नाम विक्की है, जोधपुर के हैं, जोधपुर से यहाँ सीकर में आए, और उन्होंने जोधपुर का नाम है ना अच्छा ही किया है यहाँ पे आकर। चले फिर तो बर्गर खाने के बाद में क्या है कि वो हमारी वो जीभ है ना, जीभ ऐसी चटोरी हो गई है कि अब तो मिला तो हम भूल गए बीच में, और ये खाने पीने में लगे हुए हैं, तो अब ट्राई कर रहे हैं फालूदा। दिनेश जी यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं उनको खुद को पता नहीं है, अभी देखो चेक होगा और पता लगेगा कि दिनेश जी यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कितना पैसा कमाते हैं यार, इनको
इनकम टैक्स वाले भी इसी पे करते होंगे क्या? लेट चलो फोन वैसा हम मना कर रहे हैं, नहीं चलो नेटवर्क इश्यू है ये अमाउंट बहुत कम आया का बताने से शर्मा गए। आप बताओ आपके हिसाब से कितना अमाउंट आएगा? मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख तो हमें ही चाहिए, इतना तो हमें ही चाहिए। आता कितना? मेरे लिए सुनो, डेढ़ जीबी में अभी भी भारत के युवा का भविष्य अंधकार में है। इसे 1.5 जीबी से बढ़ाकर 4-5 जीबी तो कम से कम करो, ये समझना चाहिए। आने वाले चुनावों में अगर पार्टियों को युवा को बिजी रखना है, 4-5 जीबी डेटा दिलाना आप शुरू करो, तब बात बनेगी। 1.5 जीबी सुबह सुबह खत्म हो जाता है वीडियो अपलोड करने वालों के, तो फिर वो सवाल करना शुरू कर देंगे। अब ये जो इनकम का सस्पेंस था वो अभी सस्पेंस बना हुआ ही है, तो फिर इंटरनेट नहीं चल रहा है, फिर आगे कभी खुलासा करेंगे इसका। बहुत सुंदर, बहुत से दोस्तों ने मंच के बाईं तरफ स्क्रीन पे अपनी नजरें गड़ाई रखी, क्योंकि तो दोस्तों आज के इस मेले का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। प्रोग्राम हमने देख लिया है, हालांकि कल्चरल प्रोग्राम अभी लंबा चलेगा, लेकिन करीब 11 बज चुके हैं, तो अभी घर जाएंगे, इस ब्लॉग को एडिट भी करना, और जल्दी आपके सामने ये ब्लॉग आ जाएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू।